الحمد لله الحمد لله رب العالمين ولعاقبة للمتقين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله واصحابه اجمعين قال الله تبارك وتعالى ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حذبه ليكونوا من اصحاب السعير आज के मुख्तसर दर्स में इनशा कुछ बातें हम देखेंगे कि शयातीन से या जिनों से अपनी हिफाज़त कैसे करें शरीयत ने हमको क्या रहबरी क्या रहनुमाई दी है कि जिन्हें अगर हम अपनाएं तो अपना प्रोटेक्शन और अपनी हिफाजत अपना बचाव हम कर सकते हैं शयातीन से जिन्नों से और बहुत सारे नुकसान से अपने आप को बचा सकते हैं दो चीज़ें होती हैं एक ये कि इंसान गड्ढे में ना गिरे, उसके लिए क्या करना चाहिए तो आज हम वही देखेंगे एक होता है गड्ढे में गिर जाए तो कैसे निकले वो हम देखने वाले नहीं हैं तो एक ये होता है कि एक इंसान फंस गया है मुसीबत में जिन शयातीन और बहुत सारे चक्करों में फंसा हुआ है तो कैसे निकले वो एक अलग टॉपिक है लेकिन ये है कि गड्ढे में गिरे ही नहीं मुसीबत में फंसे ही नहीं उसके लिए क्या करना चाहिए तो आज का जो दर्स है वो इसलिए है कि अपने आप को कैसे हम उस गड्ढे में जाने से गिरने से अपने आप को बचाएं और शरीयत ने हमको क्या रहबरी दी है जो मैंने अभी आयत पढ़ी ये आयत जो है सूर्य फातिर की आयत नंबर छः है अल्लाह फरमाता है इन न शई न कि बेशक शैतान तुम्हारा दुश्मन है और इसे अपना दुश्मन बना कर रखो शैतान जो है यह आदम सलाम से लेकर और आखिरी इब्ने आदम सबका दुश्मन है पहले इंसान से लेकर के आखिरी इंसान तक सबका दुश्मन है वो सारी इंसानियत का दुश्मन है वो कौन शैतान ये अल्लाह ने कुरान ने बयान कर दिया कि वो दुश्मन है और दूसरा हुकुम अल्लाह ने क्या दिया कि उसको अपना दुश्मन बना कर रखो यानी जिसके बारे में हमको मालूम हो कि ये दुश्मन है दुनिया के मामले में देखिए अल्लाह ताला ने कहा कि देखो दुश्मनी अच्छी चीज़ नहीं होती है सुलह करना चाहिए सुलह सुलह में खैर होता है भलाई है मुआफ़ करने में अच्छाई है अपने दुश्मन को माफ कर दिया करो सुलह कर लिया करो तीन दिन से ज्यादा बात बंद मत करो लेकिन शैतान के बारे में अल्लाह ने कहा उसको अपना दुश्मन बना कर रखो क्योंकि अल्लाह जानता है कि शैतान की दुश्मनी कभी दोस्ती में नहीं बदल सकती है, वो कभी दोस्त नहीं बन सकता है वो दुश्मन है दुश्मन रहेगा उसके बाद अल्लाह फरमाता है इन नमा यदू हिज बहुल यकून में बुलाता है तुमको दावत देता है उसका पूरा कबीला वो इन नमा यदड़ बहु वो बुलाता है उसकी पूरी जमात वो दावत देती है बुलाती है तुमको क्यों किस लियाकूनों में नईर ताकि वो जहन्नमियों में से बन जाए क्यों बुलाता है इंसानों को क्यों दावत देता है क्या दुश्मनी है उसकी अल्लाह ने यहां तीन बातें बताई एक ये कि शैतान दुश्मन है नंबर दो तुम अपना दुश्मन बनाकर रखना उसको नंबर उसका टारगेट क्या है उसकी दुश्मनी किस चीज़ की है अल्लाह ने बयान किया उसकी दुश्मनी इंसान के जायदाद की नहीं है दुनिया में दुश्मनी प्रॉपर्टी की होती है जायदाद की होती है माल दौलत की होती है अल्लाह फरमाता है उसकी जो दुश्मनी है वो दुश्मनी माल दौलत की नहीं जायदाद की नहीं प्रॉपर्टी की नहीं है वो दुश्मन है वो दुश्मनी क्या चाहता है वो ताकि वो तुम्हें जहन्नमियों में से बना दे तुमको जहन्नम में लेके जाए ये उसका टारगेट है ये उसका मकसद है कि उसने अल्लाह के हुक्म को नहीं माना आदम का सजदा नहीं किया जिसकी बुनियाद पे अल्लाह ने उसके लिए जहन्म मुकद्दर कर दिया वहां से उसको एक दुश्मनी हुई कि अल्लाह ने उसके लिए जहन्नम मुकद्दर किया तो उसने अल्लाह को चैलेंज किया कि मैं सरे बंदों को भटका के छोड़ूंगा मैं इनको जहन्नम में ले जाऊंगा अल्लाह ने वही बात कही कि उसकी दुश्मनी यह है तुमको बुलाता है ताकि वो तुमको जहन्नमियों में से बना दे तो उसका मकसद जहन्नम में ले जाना है वो चाहता यह है कि इंसान को इतना बर्बाद कर दे इतना नाकाम कर दे कि जब वो अल्लाह के सामने खड़ा हो तो पास ना हो अल्लाह के सामने फेल हो जाए ताकि वो जहन्नम में उसके साथ चला जाए ये उसका मकसद है लेकिन इस मकसद के अब इसमें इसको पूरा करने के लिए उसके हरबे उसकी चालें बहुत है उसके तरीके बहुत है कहाँ से आएगा किधर से आएगा वो कुरान में खुद अल्लाह ताला ने जिक्र किया कि उसने अल्लाह से क्या कहा है मैं उनके दाएं से बाएं से आगे से पीछे से चारों तरफ से आऊँगा और मैं सरात मुस्तकीम पर बैठूँगा उसने बाकायदा कहा लक़ उदन मैं ज़रूर बैठूँगा अला सरात मुस्तकीम तेरे सीधे रास्ते बैठूँगा कहाँ बैठेगा सीधे रास्ते और दाएं बाएं आगे पीछे सब तरफ से आऊँगा और सबको भटका के छोड़ूंगा तो ये है कि शैतान दुश्मन है और उसकी दुश्मनी आखिरत की बर्बादी है इंसान की ये उसका मकसद है उस मकसद को पूरा करने के लिए बहुत सारे उसके हरबे हैं तरीके हैं चालें हैं लेकिन दुनियावी एतबार से भी शैतान प्रॉब्लम खड़ा करता है उसका मकसद तो नहीं है लेकिन दुनियावी एतबार से भी मसाइल खड़े करता है कभी किसी के वजन में आ गया हाँ वो मिठाई का मिठाई डब्बा खाते जा रहा है कोई बर्तन उठा के फेंक रहा है कोई कुछ और कर रहा है पलंग उठा के फेंक रहा है दुनिया में भी मसाइल खड़े करता है मकसद नहीं है उसका लेकिन करता है परेशान करता है हाँ और कभी घर में परेशान करना यहाँ की चीज़ उधर मिल रही है उधर की चीज़ वहाँ मिल रही है कभी आवाज़ें आ रही हैं देखा तो कोई है नहीं कभी छत पे चलने की आवाज आ रही जाके देखा तो कोई है नहीं कहीं हंसने की आवाज आ रही है किसी कमरे में से तो देखा कोई है ही नहीं ऐसा भी होता है तो दुनियावी एबार से भी वो मसाइल खड़े करता है परेशानियां लाता है करता है लेकिन ये उसका मकसद नहीं परेशान करता है लेकिन इसलिए अल्लाह ने कुरान में कहा इन नहू यरा हुआ वह कबी लहू मिन तरह इन नहू यरा जो दुश्मन है शैतान कैसा दुश्मन है एक दुश्मन तो दिखता है सामने से आएगा तो क्या करेगा देखते हैं अल्लाह ने उसके बारे में कहा इन नहू यरा हुआ व कबीलू हु वो शैतान तुम्हें वो शैतान उसका पूरा कबीला तुमको वहाँ से देखता है जहाँ से तुम उसको नहीं देखते यानी वो हमको देखता है हम उसको नहीं देखते तो जो दुश्मन हमको दिखता नहीं है उससे बचना कितना जरूरी हो जाता है कि वो दुश्मनी कहां से किधर से निभाएगा कहां से आएगा कहां से अटैक करेगा नहीं मालूम हम उसको दिखते हैं वह हमको नहीं दिखता है अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया तो उससे बचना कितना अहम हो जाता है दुनियावी एतबार से शैतान जो परेशानियां खड़ा करता है मुसीबतें लाता है बहुत सारे मसाइल खड़ा करता है इसीलिए शरीयत ने हमको रहबरी दिया है बहुत सारी तालीम दिया है कि एक मुसलमान क्या करे जिससे दुनियावी एतबार से शैतान के शर से बच सके चाहे वो आखिरत के एतबार से बर्बादी हो और चाहे दुनियावी एतबार से नुकसान हो दोनों एतबार से एक इंसान शैतान से अपना बचाव कैसे कर सकता है शरीयत ने हमको रहबरी दी कुछ बातें आज के दर्स में हम देखेंगे सबसे पहली चीज है जिससे शैतान से एक इंसान अपनी हिफाजत कर सकता है या शैतान का जोर और पावर उस बंदे पर बहुत कम चलता है जिसकी तौहीद बहुत मजबूत होती है तौहीद जिसकी तोहीद और अल्लाह पर तोल बहुत मजबूत होता है शैतान का जोर उस बंदे पर कम चलता है उसका असर उस बंदे पर कम होता है क्योंकि अल्लाह ताला से शैतान ने बाकायदा कहा है जब उसने अल्लाह से मुकालमा किया बातचीत किया इबलीस ने और कहा कि मैं तेरे सारे बंदों को भटका के छोड़ूंगा तो अल्लाह ने इबलीस से एक बात कही थी इन्ना इबादी लई सला काम सुल्तान यह कुरान की आयत है सूर्य इसरा की आयत नंबर पैंसठ है अल्लाह ने इबलीस से कहा था इन्ना इबादी लई सला काम सुल्तान कि मेरे बंदों पर तेरा पावर तेरा जोर नहीं चलेगा यह अल्लाह का कुरान में वादा है और ये इबलीस से अल्लाह ने कहा था कि जो मेरे बंदे हैं इन्ना इबादी बेशक मेरे बंदे लई सला का सुल्तान तेरा पावर तेरा तेरी क़त तेरा गलबा तेरा जोर मेरे बंदों पे नहीं चलेगा वकफा बे रबी का वकीला और अल्लाह फरमाता है कि वकफा ब रबिका और तेरा रब काफ़ी है वकील के लिए यानी काम बनाने के अतबार से इसायत म कहा कि अल्लाह ने ऐलान किया है कि अल्लाह ताला के जो बंदे हैं वाकई अब दुनिया में जितने इंसान सब अल्लाह के बंदे हैं फिर अल्लाह ने यहाँ क्या कहा कि जो मेरे बंदे हैं उन पर तेरा ज़ोर नहीं चलेगा तो सब तो अल्लाह के बंदे हैं तो उसका जोर तो चलता है ने समझाया इस आयत को कि वाकई जो अल्लाह का बंदा है जिसकी बंदगी में कोई शक ना हो जिसकी बंदगी में शिरक ना हो जिसकी बंदगी में आय ना हो जो वाकई मुकम्मल तौर पे अल्लाह का बंदा हो सर से लेके पांव तक वो अल्लाह का बंदा हो वह अल्लाह ही का उसके हाथ अल्लाह के अलावा किसी और के सामने ना फैलते हो हाँ उसका सर अल्लाह के अलावा किसी और के आगे ना झुकते हो हाँ। पूरा मुकम्मल अल्लाह का बंदा हो तो जो आदमी मुकम्मल अल्लाह का बंदा होता है शैतान का पावर और जोर उस पर कम चलता है जल्दी करीब नहीं आता दूर रहता है आप देखिए आप गौर करें किसी साहबी के अंदर जिन आया किसी साहबी के अंदर जिन आया आप पूरी तारीफ उठा कर क्यों ऐसा था वो बहुत तोहहीद वाले बंदे थे बहुत इतना तोहहीद था कि उन्होंने कभी भी कभी भी रसूल को भी अल्लाह का मकाम नहीं दिया जबकि इतनी मोहब्बत थी रसूल से अल्लाह की तोहिद में आँच नहीं आने दिया उन्होंने अल्लाह की आज़मत और बड़ाई इतनी भरी हुई थी उनके दिलों में कि वह हर मामले में अल्लाह की अजमत और अल्लाह की कुदरत और अल्लाह पर तो्क् उनके दिलों में भरा हुआ था तो पहली चीज है कि एक आदमी अल्लाह पर तोल और अल्लाह की तोहद उसके अंदर हो शैदान का पावर कम हो जाएगा जोर कम हो जाएगा जिन लोगों का ईमान कमजोर होता देखिए अगर आदमी की तौहीद कमजोर है उसका ईमान कमजोर है तो वो हर जगह फिसल जाएगा थोड़ा भी कुछ हुआ कुछ मसला हो गया इलाज करा रहा है करा रहा है करा रहा है डॉक्टर से सारी चीजें और ठीक नहीं हो रहा है अचानक किसी दोस्त ने फोन किया उसको और बोला देखो डॉक्टर बहुत देख लिए अभी हो नहीं हो रहा है तुम फला जगह जाओ वो फला जगह एक बाबा है वहां जाओ ठीक हो जाएगा अब ये सोचता है करूं नहीं करूं जाऊं नहीं जाऊं तोहद वाला होता है लेकिन मतलब ईमान कमज़ोर होता है पक्का नहीं होता है सोचता है, चलो दोस्त की बात मान लेता हूं चल के देखता हूं एक बार चला जाऊंगा कर लेता हूं अगर ठीक हो गया तो वह कर लूंगा अब वहां जाता है और जैसा वो बाबा बोलता है या जैसा वो इलाज करने वाला जो भी है जैसा बोलता है वैसा करता है वो बोलता है ले जाओ ये मुर्गी फला ब्रिज के नीचे जबा कर दो बगैर बिस्मिल्ला की कुछ भी कहता है मैं मिसाल देता हूं तो करता है वो अब एक बार जब आदमी जान बूझ के शिर करता है तो वैसा ईमान नहीं बन पाता जैसा पहले था ईमान में सड़ान लग जाती है ईमान में घुन लग जाता है तोहीद कमजोर हो जाती है एक आदमी की तोहिद इतनी मजबूत होना इतना पर तवक्कुल हो कि मैं शिरक नहीं कर सकता औलाद मर जाए चलेगा लेकिन मैं शिरक नहीं करूंगा नहीं करूंगा मैं इतना यकीन अल्लाह की अल्लाह की तोहेद इतना मजबूत हो इलाज करे लेकिन मैं गलत नहीं कर सकता मैं शिरक नहीं कर सकता मैं तोहेद इतनी कामिल हो तो पहली चीज है ना एक बंदे के लिए शैतान का पावर और जोर उस बंदे पर कमजोर हो जाता है जो तोहीद वाला होता है बहुत पक्की तोहहीद होती है उसकी ऐसा ज़रूरी नहीं कि एक आदमी जो है तोहद यानी अहले हदीस है तो वो पूरा कमज़ोर भी होता है ना कितने सारे अहले हदीस होते हैं जो तोहहीद में कहीं ना कहीं कमज़ोर कमजोर कमज़ोर कमजोर होता है तो तोहेद अपनी मजबूत करें हाँ बहुत मजबूत तोहेद करें और अल्लाह पर तवक्कुल बहुत पावरफुल होना चाहिए क्योंकि अल्लाह ने कुरान में कहा मेरे बंदों में तेरा ज़ोर नहीं चलेगा इबने कई इमरहल्ल फरमाते हैं कि अल अल्किफा मा अल यति तम अल्लाह की मुकम्मल किफायत किस बंदे के लिए अल्लाह काफ़ी होता है अल्लाह उस बंदे के लिए काफ़ी होता है जो मुकम्मल अल्लाह का बंदा बनता है एक बंदा जब मुकम्मल अल्लाह का बंदा बन जाता है तो अल्लाह की मुकम्मल किफ़ायत उस बंदे को मिलती है अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है तो ये पहली चीज़ याद रखें तोहद में खलल नहीं आने देने का चाहे कुछ भी हो जाए तो ये चीज़ है दूसरी चीज़ जो शैतान से हिफाजत के लिए दूसरी चीज़ जो ज़रूरी है जिससे शैतान का पावर कमज़ोर हो जाता है और एक इंसान पर उसका जोर ढीला हो जाता है शैतान ढीला हो जाता है या जो है कमजोर हो जाता है वो अल्लाह का जिक्र है अल्लाह का जिक्र है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु फरमाते हैं बहुत अहम अधी से वह इलाुमा या शैतान इदा काना फी विक्र कि एक बंदा सबसे ज्यादा महफूज किले में होता है सबसे ज्यादा मजबूत किले में होता है जब वो अल्लाह का जिक्र करता है ये दूसरी चीज है तोहीद के बाद दूसरी चीज है जो शैतान से बचाव का जरिया है हिफाजत का जरिया है क्या है अल्लाह का जिक्र लेकिन जिक्र में अपना बनाया हुआ जिक्र नहीं होना चाहिए जिक्र में वो जिक्र होना चाहिए जो नबी साबित है कभी कभी आदमी जिक्र करता नहीं और जब करने पे आता है तो वो सारे वो जिक्र करना शुरू कर देता है जो नबी साबित नहीं है ज़ीफ़ रिवायतें ले लिया मौजू जो नबी साबित है ही नहीं किताबें कोई भी उठा लिया उसमें लिखा हुआ है बस पढ़ना शुरू कर दिया चेक नहीं किया कि ये सही है नबी साबित है कि नहीं साबित है भाई तो दुनिया के मामले में कितना चौकन्ना होता है चेक करता है दवा डुप्लिकेट है कि सही है हाँ बहुत अच्छा अच्छे डॉक्टर के पास जाता है लेकिन दीन के मामले में कितना भोला होता है कोई भी दे दिया कोई भी किताब अरबी में है ना बस खलास पढ़ना शुरू कर देता है अल्लाह का जिक्र सबसे ज्यादा बंदे को महफूज करता है शैतान से प्रोटेक्ट करता है लेकिन कौन सा जिक्र जो साबित है किससे नबी से जो कुरान से साबित हो और जो हदीस सही हदीस साबित हो बस वही जिक्र है। तो क्या होता है नबी क्या फरमाते हैं कि सबसे ज्यादा महफूज बंदा कब होता है शैतान से जब वो अल्लाह का जिक्र करता है अब अल्लाह का जिक्र जितने भी अल्लाह के जिक्र हैं यानी जो भी नबी ने बताए हैं सुबहानल्लाहमद्ला अकबर हाँ अल्लाह का जिक्र कसरत से बंदा करता रहे इसमें ख़ास तौर पे वो अस्कार हैं वो जिक्र हैं जो सुबह शाम के जिक्र हैं मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ कि एक मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करना चाहिए ज़िंदगी में निखार आता उस पर अमल करके देखें सुबह शाम के अस्कार हैं पाबंदी से पढ़ें उसको खास तौर पे वो असकार जिसमें बाकायदा नबी ने फरमाया कि ये पढ़ ले तो उसे कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती है ऐसे कई असकार हैं तो सुबह और शाम के जो असकार हैं उसकी पाबंदी करे बंदा सुबह का मतलब फजर की नमाज के बाद से लेकर के सूरज निकलने से पहले पहले पढ़ ले शाम के असकार का मतलब सूरज डूबने से पहले, पहले पहले पढ़ ले सूरज अगर डूब जाता है नहीं पढ़ पाया तो मगरिब बाद भी पढ़ सकता है लेकिन मगरिब से यानी अजान से पहले पहले पढ़ ले वो शाम है तो कि अजान हो जाने के बाद रात शुरू होती है सूरज गुरु हो गया रात शुरू हो गई तो शाम का मतलब सूरज डूबने से पहले सुबह का मतलब सूरज निकलने से पहले तो इसकी पाबंदी करें और सात आठ अस्कार हैं आपके पास जो हिस्नुल मुस्लिम किताब है यहां से जो छपी हुई है आप देखें उसमें जो साबित शुदा अस्कार हैं वो आप पढ़ें तो सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी करें और तौर तो पर सुबह शाम के अस्कार में वो जो जिक्र है ना जो अल्लाह के नबी

और सौ गुनाह उसके मिटा दिए और उसके सौ नेकियां उसके नाम अमाल में लिखी जाती हैं वह मोहियत अन हो तो सैया और सौ गुनाह मिटा दिए जाते हैं दस गुलाम आज़ाद करने का सवाब नंबर एक सौ नेकियां लिखी गई दो नंबर तीन सौ गुनाह उसके मिटा दिए गए नंबर चार वकानत लहू हिरदम शैतानी यौ महू दाली का और पूरे दिन भर के लिए शैतान से उसे बचा लिया जाता है यहां तक कि शाम हो जाए शाम तक वो बंदा शैतान से महफूज हो जाता है और नंबर पांच वाला मियादला क्यामत के दिन इससे ज्यादा अफजल ने की या अफजल अमल लेकर कोई और नहीं आएगा जिसने रोजाना सौ बार पढ़ा ला मत के दिन नाम यामाल ने इससे भारी ने की और कोई नहीं होगी हाँ जिसने सौ से ज़्यादा पढ़ लिया वो आगे बढ़ जाएगा निकल सकता है लेकिन आप देखें सही बुखारी की रिवायत ये हाँ सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है आप सुबह शाम के असकार में सारे ख़ास तौर पर एक बंदे को रोज आना सुबह सौ बार पढ़ना चाहिए इसको पढ़ लेना चाहिए कितना टाइम लगता है मुश्किल से आप घड़ी देखो ठीक है गिनने में दुश्वारी होती है एक बार आप घड़ी देख करके पढ़ लो उसके बाद वही टाइम मान लीजिए दस मिनट किसी का होगा किसी का ग्यारह मिनट होगा किसी का बारह मिनट होगा उसके बाद आप पढ़ लो उतना बारह मिनट दस मिनट हाँ दस मिनट में हो जाता है सौ बार आराम से हो जाए किसी का बारह मिनट लग सकता है तो बारह मिनट में अगर आप सौ बार पढ़ लेते हो पूरे दिन भर के लिए शैतान से महफूज शाम तक इतना मुश्किल है कुछ नहीं आप मतलब फजर बाद अगर घर से यहां से मस्जिद से निकले भी आहिस्ता आहिस्ता घर जा रहे हैं तो पढ़ते पढ़ते आप जा रहे हैं हो जाएगा सौ बार दस मिनट आप घड़ी देखें तो ये एक ही पाबंदी लेकिन होना चाहिए एक दिन नहीं जैसे डॉक्टर बोलता ना गोली सुबह शाम खाओ पाबंदी कितना पाबंदी खाता है कितना पाबंदी है डॉक्टर की बात पर कि वो कभी मिस नहीं करता बीपी की गोली मिस नहीं करता शुगर की गोली मिस नहीं कर रहा डॉक्टर ने बोला है हार्ट की तो इतना अपने सेहत को बचाने के लिए डॉक्टर की बात पे इतना यकीन है ना कि एक टाइम गोली मिस नहीं करता और नबी की बात पे कितना यकीन है कभी पढ़ा कभी नहीं पढ़ा कभी कुछ दिन ईमान जागा तो थोड़ा सा ज़्यादा आस्कार पड़ने लगा फिर थोड़ा ईमान घटा तो छोड़ दिया ये छोड़ पकड़ वाला क्या होगा हाँ गोली आदमी दवा बंद करेगा तो क्या होगा डॉक्टर बोलता है कि मेरी गलती नहीं तुमने किया ना भाई इसलिए सुबह शाम के अस्कार की इतनी पाबंदी करें ना कभी मिस ना करें कहीं भी रहें कहीं भी रहें सुबह शाम के अस्कार की पाबंदी बहुत जो है एहतमाम से करें तो ये सुबह शाम के अस्कार ये मैंने मिसाल सिर्फ ला इला इला की दिया कि सौ बार आप पढ़ें उसके अलावा बहुत सारी है जैसे नबी ने फरमाया जिसने सुबह और शाम तीन तीन बार पढ़ लिया बिस्मिल्लासम शई फिर अर्द वाला क्या फ़ायदा लम यादर शै उसे कोई चीज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है क्या बात आप देखिए कोई चीज भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती है बात सलफ में से आता है कि किसी को तकलीफ हो गई किसी जानवर ने डंक मार दिया तो वो सोचने लगे आज क्या हुआ तो कहे अच्छा आज मैंने वो दुआ पढ़ना भूल गया था आज मैंने सुबह पढ़ा नहीं था तो मतलब ये कि एक आदमी पूरे दिन भर के लिए महफूज हो जाता है कोई चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती शाम को पढ़ लिया सुबह तक महफूज तो ये नबी का बताया हुआ हाल है नबी कभी अधूरा हल नहीं देते हैं जिसको आ, जिस आदमी को नबी की बात भी यकीन हो ना तो ये सुबह शाम दूसरी चीज क्या है शैतान से बचने का कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करें कौन सा जिक्र अपना बनाया हुआ नहीं जयफ़ मौजू रिवायतें लेकर के यहां वहां कोई दुआए गंजूला अर्श पढ़ रहा है कोई दरूद हजारी पढ़ रहा है कोई दरूद लक्की पढ़ रहा है कोई क्या पढ़ रहा है नबी साबित नहीं अपना बनाया हुआ पढ़ रहा है तो शैतान बजाय भागने का करीब आता है कि जब नबी का वो दिया हुआ हल है ही नहीं वो गोली वो दवा नबी ने दिया ही नहीं तो तू खा खा रहा उसको तो क्या होगा हाँ, दुनिया के बनाए हुए लोगों का तो खा रहा है ले रहा है कुछ नहीं फायदा होगा जो नबी ने दिया है वही करेगा तो फायदा होगा इसलिए जो है ये बहुत अहम चीज है कि अल्लाह का जिक्र इसलिए आप देखें अब्दुल्ला अब्बास रजी फरमाते हैं अशैतान जासिमुन अला कल भी आदम कि शैतान जो है ना कहां बैठता है इबन आदम आदम के दिल के पास इब्ने आदम के दिल के पास कल्ब दिल के पास बैठता है वो दिल के पास रहता है और हदीस के अल्फाज हैं कि वसवसा जैसे बंदा गाफिल हो जाता है और थोड़ा सा मशगूल हो गया चीजों में तो वसवसा वसवसा डालना शुरू कर देता है वह जैसे वो अल्लाह का कर जिक्र करता है पीछे हट जाता है मिन की तफसीर में अब्दुल्लाह तीर अब्बास ने बात कही तो शैतान दिल के पास रहता है तो उसको भगाने का जरिया क्या अल्लाह का जिक्र जितना अल्लाह का जिक्र बंदा करता है ना उतना ज्यादा शैतान उसके दिल के पास से दूर रहता है, है। इसलिए अल्लाह का करते हैं। घर से निकलते उठते जाते चल रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते रहे गिनना जितना चाहे गिनने जिन, की जरूरत नहीं जितना चाहे पढ़े सौ सौ दो दो तीन दिन बार पढ़ते रहे तो ये और आप देखें नबी ने क्या फरमाया कि चार कलमें अल्लाह को सबसे प्यारे हैं अल्हम्दुलिल्लाह सुबहानल्ला अकबर सबसे प्यारे कलमा चार अल्लाह को तो आप पढ़ते पढ़ लें सौ दो सौ बार जितना भी आपको हो सके गिनने कोई ज़रूरत नहीं है बिल्लाह जन्नत के खज़ानों में से ख़जाना अल्लाह का जिक्र है तो बहरहाल कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करें नंबर तीन तीसरी चीज़ शैतान से हिफाजत का एक जरिया जो है वो फजर की नमाज है फजर की नमाज एक आदमी कितना भी इलाज अपना करे कितना भी शैतान से बचना चाहे अगर उसकी जिंदगी में फजर का अहतमाम नहीं है कुछ फायदा नहीं है। फजर की नमाज शैतान से हिफाजत का पहला राउंड है पहला पहला राउंड है वो। शुरुआत उसके दिन की शुरुआत वहीं से होती है और जिसने फजर की नमाज नहीं पढ़ी वो शैतान से बचना बहुत मुश्किल है उसका फजर की नमाज़ ये ज़रिया है शैतान से बचने का बहुत सारे लोग कितना इलाज करते हैं बहुत सारे परेशानियां ज़िंदगी में होते हैं कहाँ 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 इलाज करते हैं हाँ लेकिन उनकी ज़िंदगी में फजर का अहतमाम नहीं है वो समझते हैं कि बस कोई बटन दबा दो और मेरी बीमारी ख़त्म हो जाए ऐसा नहीं होता है और बहुत सारे इलाज करने वाले भी उसको जो है फ़राइज का पाबंद नहीं बनाते बस उसको जो है क्या क्या देंगे क्या क्या करेंगे बहुत सारी चीज़ें लेकिन उसकी ज़िंदगी में फ़राइज है ही नहीं और ख़ास तौर पर फजर की नमाज आप देखिए हदीस में इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कॉल दोन द नबीसम कि अल्लाह के नबी वसल्लम के पास एक आदमी का जिक्र किया गया एक आदमी का जिक्र नबी के पास किया गया कौन सा आदमी था क्या कहा गया फ़कील ईमन कहा गया कि अल्लाह के नबी नबीसम एक आदमी बराबर सोया रहता है सोया रहता है हत्ता मा सोया रहता है सोया रहता है और नमाज को नहीं आता है यहां तक कि नमाज खत्म हो जाती है फजर नहीं पड़ता है तो आपने क्या फरमाया फैतान आपने फरमाया शैतान उसके कान में पेशाब कर दिया ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है कि नबी के सामने एक आदमी का जिक्र हुआ कि वो सोया रहता है यहां तक कि सूरज निकल गया फजर नहीं पड़ा उसने नबी ने क्या फरमाया कि शैतान ने उसके कान में पेशाब किया अब जिसके कान में शैतान पेशाब करे आप बताइए वो कैसे बचेगा वो शैतान से शैतान पेशाब करके अब जितने लोग फजर नहीं पढ़ते घर में सोए रहते हैं हा? आप बताइए हर एक के कान में शैतान पेशाब करके जाता है चाहे वो हमको दिखाई दे चाहे ना दिखाई दे हमारे लिए नबी की खबर हमारी आंख से बढ़ है हमको दिखाई दे चाहना दिखाए नबी ने कहा पेशाब करता है तो करता है क्यों कान ने पेशाब क्यों करता है वलवा ने बताया कि उसको जलील करने के लिए इंसान को जलील करने के लिए कान ने पेशाब करता है अल्लाह को बताने के लिए कि मैंने एक सजदा नहीं किया ना तूने जहन्नम मेरे लिए दिया ये बहुत भारी इंसान नहीं है ये इंसान है इससे मैं कितने सजदे छुड़वा के दिखाता हूं बहुत बड़ा थोड़ी है ये ये देखो कान ने पेशाब करके जा रहा है इसको आप बताइए कि उसको जगह क्या मिली पेशाब करने की इंसान का कान हर वो बंदा जो फजर नहीं पड़ता है उसके कान में शैतान पेशाब करता है डेली करता है रोज करता है अगर रोज नहीं पड़ता है वो तो क्या बचेगा शैतान से और जो और जो दूसरी रिवायत है दूसरी रिवायत में क्या है कि जब वो सोता है तो शैतान उसके सर के पास जादू करता है तीन फूंक मारता है गांठ लगाता है कि अली कले तवील हर गिरह में फूंक मारता है हर गांठ में ऊपर रात लंबी हो सो जा सोता रहे सोता रहे अब ये अगर उठ गया अल्लाह का जिक्र किया वजू बनाया नमाज पढ़ा तीनों गांठ खुल गई लेकिन अगर सोया ही रहा नहीं उठा फजर में तो नबी क्या फरमाते हैं आ फरमाते हैं कि नहीं उठा तो अब ये असबहा नफ्स ये खबीस नफ्स बन के सुबह कर इसकी सुबह होती है खबीस नफ्स इसका नफ्स खबीस गंदा हो जाता है अब पूरा दिन ये गंदा ही सोचेगा इसके जहन में गंदगी ही आएगी खुराफात ही इसके जहन में आएगी इसका जहन साफ नहीं होगा क्योंकि नबी फरमाते हैं असबहहा खबीस नफ्स ये सुबह करता है खबीस नफ्स बन के कसलान पूरा दिन सुस्त रहता है चाको को चौबंदी इसके दिल में इसके अंदर नहीं आती तो फजर छोड़ दिया तो फजर छोड़ने वाला शैतान से महफूज नहीं रह सकता है अगर शैतान से बचना आना, तो फजर की पाबंदी करनी चाहिए फजर की नमाज की ये भी एक जरिया है ऐसे ही नंबर चार चौथी चीज़ जो शैतान से बचने का बहुत बड़ा जरिया है वो जमात का अहतमाम करना जमात का अहतमाम करना जमात दो तरह की चाहे तो लोगों के साथ मिल के रहना जमात के साथ जुड़ के रहना यह भी है और नमाज जमात से कायम करना है, दोनों दोनों इसमें आता है जमात का अहतमाम करना शैतान से बचने का जरिया है और अल्लाह के नबी सल्लम की हदीसा फरमाते मिन सलासतिन फी इल्ला कद लातुका अलैहिम शैतान जहाँ भी जिस भी बस्ती में जिस भी इलाके में तीन लोग हों तीन लोग रहते हों और जमात से नमाज कायम ना करें तो शैतान उनके ऊपर मुसल्लत हो जाता है उनके ऊपर शैतान अपना कब्जा जमा लेता है तो जमात से नमाज ना पढ़ने वाले पर शैतान अपना कब्जा जमाता है कि जमात का जमात हो रही किसी मस्जिद में या इलाके में जमात है जमात हो रही है नमाज नमाज के लिए लेकिन नहीं आ रहा है घर में पढ़ रहा है अकेले पढ़ रहा है बगैर मजबूरी के भाई शरय उज्र अगर नहीं आ सकता तो ठीक है भाई उसके लिए कोई मसला नहीं है शरय मजबूरी है नहीं चल फट सकता है बीमारी है तकलीफ है लेकिन बगैर शरय उजर के वो जमात का अहतमाम नहीं करता है तो पहला हमला शैतान का होता है कि शैतान उस पर अपना कब्जा जमा लेता है अब हर वो बंदा जो जमात से नमाज का अहतमाम नहीं करता उसको डरना चाहिए कि शैतान उस पर अपना कब्ज़ा जमाता है शैतान का वो लुकमा बन चुका है शैतान की खुराक वो बन चुका है शैतान ने उसको अपना दोस्त बना लिया है चाहे घर वो नमाज़ पढ़ता हाँ मैं नमाज पढ़ के पढ़ता हूँ लेकिन जमात से नहीं पढ़ता है शैतान का कब्जा उसके ऊपर है

भेड़िया जो है उसको अपना खुराक बना लेता है पूरा रेवड़ बकरियों बकरियों का रेवड़ अगर है चल रहा है तो पूरी पूरे रेवड़ पे भेड़िया हमला नहीं करता है लेकिन अगर कोई बकरी रेवड़ से अलग गई हट गई चरते चरते उधर चली गई पूरा रेवड़ उधर जा रहा है बकरियों का और एक बकरी उधर चली गई तो भेड़िया फौरन जो है उसको उठा लेता है नबी फरमाना चाहते हैं कि ऐसे जो आदमी जमात से कट जाता है चाहे वो जमात का अहतमाम ना करे और चाहे वो मुसलमानों की जमात के साथ ना रहता हो दोनों इसमें आता है अब मान लीजिए कोई आदमी है ठीक है जमात से तो नमाज पढ़ता है लेकिन वो हमेशा कट के रहता है लोगों के साथ नहीं रहता है अकेला जब देखो तब अकेला रहता है जब देखो तब बिल्कुल तो जो अकेला रहता है ना भेड़िया जैसे अकेली बकरी को उचक लेता है ना ऐसे शैतान उस आदमी को उचक लेता है जो जमात से अलग रहता है तो ये बहुत अहम चीज़ है कि हमेशा एक आदमी को कोशिश करना चाहिए कि जमात के साथ में रहे लोगों के साथ में रहे लोगों के साथ उठे बैठे हाँ तो उससे शैतान का हमला कमज़ोर हो जाता है अब एक आदमी मान लीजिए लोगों के बीच में हमेशा अच्छे लोगों के साथ रहता है उठता है बैठता है उसका ज़्यादा वक्त लोगों के साथ रहता है अच्छे लोगों के बीच में रहता है तो शैतान का जो मामला है ना उस ऐसा नहीं कि सबके साथ में आकर के तो कमज़ोर हो जाता है इसलिए लोगों के साथ रहना चाहिए जमात के साथ रहना चाहिए लोगों के बीच में रहना चाहिए तो ऐसे ये बहुत अहम चीज़ है तो ये जमात का अहतमाम हम करें और जमात का एहतमाम के साथ साथ नमाज और लोगों के साथ रहना आप देखेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जब कट जाते हैं ना लोगों से जब तक आदमी लोगों के बीच में रहता है साथ में रहता है तो अच्छा रहता है लेकिन जहाँ वो कट गया लोगों से चला कहीं घर कभी कभी आदमी घर इतना दूर ले लेता है जहाँ ना जमात का अहतमाम है मस्जिद का ना लोगों का अकेला हाँ तो चार लोग हैं बस चला गया बहुत दूर रहने के लिए तो धीरे 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 दिन से दूर हो जाता है शैतान उस पर अपना कब्जा जमा लेता है इसलिए घर वगैरह लेने में रहने में आदमी देखे कहाँ वो जमात के साथ रह सकता है कहाँ वो बराबर जो है लोगों के साथ रह सकता है कहाँ वो पाँच वक्त नमाज जमात से पढ़ सकता है कहाँ वो लोगों के बीच में रह सकता है ये सारी चीज़ों का अहतमाम करना चाहिए देखना चाहिए बहुत जरूरी है तो ये जो है ये भी एक जरिया है शैतान से बचने का कि जो है जमात का अहमाम चाहे वो नमाज का हो चाहे लोगों के साथ रहने का हो ऐसे ही एक चीज़ और है शैतान से बचने का वो है अजान अजान का अहतमाम ये भी कभी कभी होता है अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जाए तो अजान दे सकते हैं ये भी शैतान से बचाव का एक जरिया है एक हदीस है और सही मुस्लिम में रिवायत है हजरत ये अन सुहैल कला अरसल नी अबी सुहैल एक ताबई है कहते हैं कि मेरे बाप ने मेरे बाप उनके बाप का नाम था जकवान जकवान एक ताबई है और उन्होंने अपने बेटे सुहेल को यानी ताबई जकवान है और उन्होंने अपने बेटे सुहेल को कहते हैं कि मुझे किसी काम के लिए मेरे बाप ने भेजा इला बनी हारसा बनी हारसा एक कौम एक कबीला था कहा कि वहां पर कुछ काम के लिए भेजा कि जाओ वहां से कुछ काम करके आओ वह काला व मई गुलामुल्लना और मेरे साथ एक गुलाम भी मेरा था हम दोनों जा रहे थे मेरे वालिद ने कुछ काम करने के लिए एक कबीले में भेजा कि वहां जाके काम करके आ जाओ तो मैं अपने गुलाम को लेके जा रहा था काला, फनादा मुनादिन मिनहयतिन भी इसमें ही कहते हैं जब मैं रास्ते में जा रहा था सुनसान इलाका था भाई वो गांव दूसरी जगह था तो मैं जब जा रहा था तो एक दीवार थी दूर उस दीवार से एक आवाज आ रही थी और जो मेरे साथ गुलाम था उसका नाम लेकर कोई बुला रहा है कहते हैं कि फ़नादा हो मुनाद मिनहयिन भी इसमें ही कि जो मेरे साथ गुलाम था उसका नाम ले करके कोई वहाँ से पुकार रहा है एक दीवार या गिरा हुआ कोई घर था गिरा उ रहा और दीवार थी तो वहाँ से आवाज़ आ रही थी काला व अशरफी थी फ़लम यन कहते हैं कि ठीक है जब आवाज़ आ रही थी तो हम लोग गए चलो देखते हैं कौन बुला रहा है भाई नाम लेकर के बुला रहा है कोई पुकार रहा है नाम ले कर के तो कहते हैं गए देखा हमने दीवार को घूम घाम के पूरा देखा होगा तो कोई वहां है ही नहीं फलम या राशैयन कोई चीज़ दिखाई नहीं थी वहां पर फदकर तो उसके बाद ठीक है चले गए जब कोई नहीं मिला वहां से तो चले गए और काम उम करके जब वहां से लौट करके आए तो कहते हैं कि फ़दकर तो दा अली कली अदी फिर ये बात मैंने अपने बाप को बताई बाप कौन है ताबई जकवान कहते हैं मैंने अपने वालिद को एक बात बताई कि हम लोग रास्ते में जा रहे थे ऐसा ऐसा हादसा हमारे साथ हुआ था कोई नाम लेके बुला रहा था और जब हम लोग जाके देखे तो कोई था ही नहीं तो कहते मैंने अपने बाप से जिक्र किया फल शार्का तल कहासिल का अगर मुझे मालूम होता बाप ने कहा अगर मुझे मालूम होता कि तेरे साथ ऐसा वहां होने वाला है ऐसा कोई हादसा वाक्य होने वाला है तो मैं तुझे वहां कभी नहीं भेजता यानी ये काम करने के लिए मुझको भेज मैं तुझको भेजता नहीं अगर मुझे मालूम होता तेरे साथ ऐसा होगा वाकिन इधा समीता सौतन फना दिन बिसला लेकिन सुन अगर तेरे साथ कभी ऐसा हो जाए कि कोई आवाज आ रही है तू कोई आवाज सुने कि कोई तुझको बुला रहा है कोई पुकार रहा है कोई आवाज आ रही है और वहां कोई चीज दिखाई ना दे जब तू कोई आवाज इस तरह की सुने फना बिसला तो अजान की तरह से यानी नमाज की तरह से अजान दे जैसे नमाज में अजान होती है वैसे उस जगह अजान दे क्यों कहते हैं कि फी समी तो अबा हुर रसूल वसलम कहते हैं कि मैंने हजरत अबू हुराइरा को बयान करते हुए सुना है कि उन्होंने अल्लाह के नबी से यह हदीस बयान की कि अल्लाह के नबी ने क्या फरमाया इन शैतान वल्ला कि शैतान जब अजान की आवाज़ सुनता है तो वहां से इतना तेज भागता है कि उसकी हवा निकल जाती है यानी इतना कमज़ोर हो जाता है इतना ढीला हो जाता है कि उसकी हवा तक निकल जाती है तो जब कभी ऐसा सुन तो अजान दे दे इससे बात मालूम होती है कि शैतान अजान से भागता है अजान से भागता है तो जब कभी किसी इंसान के साथ इस तरह का मामला कभी हो जाए कभी ऐसा हादसा घर में है घर में देख रहा है कि इस तरह से मामला कुछ हो रहा है आवाज़ें आ रही है या कहीं पर देख रहा है कि इस तरह की आवाज़ें आती कुछ है भी नहीं वहाँ कुछ है नहीं आवाजें आ रही तो क्या कर सकता है वहां अजान दे सकता है एक बार दो बार या मुसलसल कई दिनों तक अजान दे सकता है तो क्या होगा उससे अजान से शैतान भागता है और यहां तक कि उसकी हवा निकल जाती है तो इससे मालूम होता है कि शैतान जो है अजान सुन के भागता है तो इससे भी एक बचाव का जरिया है कि आदमी अजान दे सकता है ऐसे ही अगली चीज है जिससे अपनी हिफाजत बंदा कर सकता है कि जहां जहां भी इस तरह के अल्फाज आए हैं जहाँ आऊदो वाले अल्फाज हैं उसको अपनी जिंदगी में एहतमाम करना जहाँ जहाँ भी आऊस हो उसका अहतमाम करना चाहिए जिंदगी में उसकी पाबंदी करना चाहिए कई जगहों पर आए हैं आऊदों के कलिम जैसे मिसाल के तौर पर नमाज में वसा पैदा हो जाए नमाज में ववसा नमाज आप पढ़ते हैं कितने लोगों की नमाज आप देखें नमाज कैसी हो जाती है शैतान आके पूरा सब ख्याल डालता है हाँ और आदमी सोचता है तो नबी क्या फरमाते हैं और एक हदीस है आ, उस्मान इबन अबिल आस उस्मान इबन अबिल आस सहाबी हैं कहते हैं कि वो अल्लाह के नबी के पास आए और उन्होंने कहा अल्लाह के रसूल इन शैतान कद व बीना सलाती शैतान मेरी और मेरी नमाज के दरमियान और मेरी किरत के दरमियान पूरा मुझको शुबे में डाल देता है कन्फ्यूज़ कर देता है जब मैं नमाज पढ़ता हूँ तो मेरी नमाज मेरी किरत के दरमियान पूरा कन्फ्यूज़ कर देता है कितना पढ़ा क्या पढ़ा भूल जाता फ़काल रसूल वसम अल्लाह के रसूल ने फरमाया उसका ख़नज़ब है, शैतान वो शैतान है।, उसका नाम है। कि जब तू महसूस करे नमाज में कभी ऐसा तू महसूस करे तो अल्लाह की पनाह तलब कर नमाज ही में अल्लाह की पनाह तलब कर वक् फिलसारी का सलासन और अपने बाएं तरफ तीन बार थुक पा दे यानी अदिल्ला ही मैंने शैतानरजीम बोल और अपने लेफ्ट साइड तीन बार थक थुप था थुप दे थूकना नहीं है बस हल्का सा इशारा करना है हाँ वरना बाजू वाला समझेगा क्या कर रहा है तो ऐसा नहीं करना है तो बाएं तरफ हल्का सा हाँ कर दे तो सहाबी कहते हैं फलत का सहाबी कहते हैं मैंने ऐसा किया नमाज़ में तो अल्लाह ने वो तकलीफ मुझसे दूर कर दी दोबारा कभी नहीं हुआ तो क्या करना देखिए आऊदों वाले क़लिमात कहाँ कहाँ पढ़ना है नमाज में हम पढ़ रहे हैं शैतान पूरी नमाज कन्फ्यूज कर रहा है अद्ला ही मैंने रज़ीम और बाएं तरफ तुख्त पा दी ऐसे ही बैतुलखला में जा रहे हैं देखिए दुआओं का अहतमाम कितना अहम चीज़ है बैतुलखला में जा रहे हैं वहाँ भी सिखाया गया क्या सिखाया गया कि इन नादिल होशूश या मुताजरा जो टॉयलेट वगैरह होते हैं बाथरूम यह सब हाजिर होने की जगह है कौन आता वहाँ यातिन हाजिर होते हैं आप फरमाते हैं फैदा आता खलाफुल अद्ला ख़बाइश तुम में से जब कोई आदमी वहां जाए तो क्या कहे अरूद बिल्लाखुबी कि मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ खबीस जिन्नों से और ख़बीस जिन्नी से उनके अंदर भी मेल फीमेल होते हैं तो पनाह भाग ले ऐसे ही और कहाँ पढ़ना है जब वो कुरान पढ़ने के वक्त कुरान पढ़ने के वक्त सिखाया गया कि फैदा करातल कुरान जब कुरान पढ़ो जब तुम में से कोई आदमी कुरान पढ़े तो क्या कहे फर्स्ट ईद बिल्ला शैतानरजीम अउद बिल्ला बिनत शैतानरजीम पढ़ना चाहिए अल्लाह की पनाह शैतान से मांगना है तो जहां जहाँ शैतान से अल्लाह की पनाह मांगने कहा गया है ना उसका अहतमाम जिंदगी में होना चाहिए ऐसे ही मस्जिद में दाखिल होने की दुआ हाँ मस्जिद में दाखिल होने के वक्त अल्लाह की पनाह मांगना शैतान से कितने लोगों की दुआ नहीं मालूम याद नहीं है क्या दुआ है ठीक है एक आदमी मुख्तसर पढ़ता है अल्लाह मुफ्त हैरिया रहमत इतने पढ़ता ना लेकिन और भी दुआ है ना यह दुआ, दुआ दाऊद की है क्या है कि इब्ने अमर इब्ने आस अब्दुल्ल इब्ने अमर इब्ने आस कहते हैं अल्लाह के नबी से रिवायत करते हैं कहते हैं कल का, कि अल्लाह के नबी वसल्लम जब मस्जिद में दाखिल होते थे हमारे नबी जब मस्जिद में दाखिल होते थे क्या कहते थे अऊदबिलीम अऊदबिल्लाजीम वह बेवजह करीम वह सुल्तान हिल कदीम मिन शैतानजीम यह आप पढ़ते थे आऊजबिल्ल आज़ीम व बेवजह करीम वो, बे वो सुल्तान हिल कदीम मिना शैतानजीम चार जुमले आऊजबिल्लाजीम यानी मैं अजीम अज़मत वाले अल्लाह की पनाह चाहता हूँ बेवजह करीम उसके करीम चेहरे के ज़रिया वो सुल्तान क़दीम, उसकी पुरानी बादशाहत के जरिया हाँ अल्लाह की बादशाहत कितनी पुरानी मिना शैतानीम शैतान मरदूत से तो अल्लाह की आजमत उसकी बड़ाई उसकी बादशाहत का हवाला दे करके उसके चेहरे का हवाला दे करके कहा जा रहा है मिनत शैतान नबी फरमाते हैं कि किला फाला का कि जिसने जिस बंदे ने भी यह कहा कह लिया मस्जिद में दाखिल होते वक्त शैतान काला शैतानदा मिनिओम शैतान कहता है कि आज पूरे दिन भर के लिए ये मुझसे बच गया इसकी हिफाजत कर दी गई पूरे दिन के लिए आप फजर में आए आपने पढ़ लिया उ बिल्लाम करीम सुल्तान शैतान पूरे दिन भर के लिए शैतान से महफूज नबी ने फरमाया कितनी अहम बात है और कितने लोगों को नहीं याद है तो ये भी मस्जिद में मस्जिद में दाखिल होते वक्त आऊजों वाले कलिमात हैं ऐसे ही रात में सो रहा है सोने के वक्त घबरा गया वहां भी नबी ने सिखाया शैतान शैतान कहां कहां, कहां इंसान को प्रॉब्लम खड़ा कर सकता है कहाँ कहां वो शरीक हो सकता है बैतुलखला में जा रहे हैं वहाँ शरीक हो सकता है तकलीफ़ दे सकता है मस्जिद में आ रहे हैं वहाँ तकलीफ़ दे सकता है हाँ नींद में तकलीफ़ दे सकता है नबी ने क्या फरमाया कि किलाबू बकर रसूल मुर्न बिश्यन अकूल हो इधा असबह तो वा सई तो क्या कहते हैं और जो है आ, सोने के टाइम वहाँ भी आपने दुआ सिखाई और पूरी लंबी दुआ है जो हम शाम के टाइम पढ़ते हैं और जो है अलमैबी السماوات والارض लंबी दुआ है तो वहाँ भी आगे अल्फाज हैं जो है हैउूदबिका मिन नफसी और मिन शर्र शैतानी मैं तेरी पनाह चाहता हूँ शैतान के शर से और अपने नफ्स के साथ से। तो भी है। ऐसे ही जो है एक आदमी बुरा ख्वाब देख लिया ना, बुरा ख्वाब देखे तो वहाँ भी डरावनी, वहाँ भी नबी ने क्या बताया कि आपने सिखाया कि क्या कहे जब आदमी बुरा ख्वाब देखे तो आपने वहां बताया कि कालाइदा अवैता फिराशी का जब तू अपने बिस्तर पर आए फकुल्ला मिन गज़ाब ही व इकाब ही ओ मिन शर इबादी ही हाँ वो मिन हमजात शयाकीन व आई यहाँ दुरून ये घबराहट एक आदमी खाब में घबरा जाता है बहुत सारी चीज़ें तो ये दुआ नबी ने सिखाई वहाँ भी अवज़ू वाले कलिमा हैं आदमी याद कर ले और पढ़े कितनी अहम चीज़ें ऐसे ही एक आदमी अगर बुरा ख्वाब देख के उठाए अचानक एक तो एक बुरा ख्वाब देखे ही नहीं घबराहट आए नहीं उसके लिए वो दुआ है اعوذ بكلمات الله तम من غضبه ही وشر عباده ومن همزات الشياطين और मिन شروع शैतिन वही पढ़ ले सोने से पहले लेकिन अगर ख़्वाब देखा बुरा और घबरा के उठा तो क्या करना चाहिए नबी ने क्या फरमाया कि फल यव बिल्ल मिन शर एक आदमी बुरा ख्वाब देखा अचानक डरावनी ख्वाब उठा तो क्या कहे अल्लाह की पनाह तलब करे उसके शर से और शैतान के शर से अद्ला शैतान रजीम कहे याऊद बिल्ला शैतान वह मिन शर रिहाद यानी इस ख्वाब की बुराई से पनाह तलब करे और क्या कहे तीन बार थुप थपा दे बाएं तरफ और फिर वो ख्वाब किसी को बयान ना करे तो उसको कोई तकलीफ नहीं होगी तो कहाँ कहाँ नबी ने आऊज़ो आड़ूज़ो वाले कलमा सिखाएं गुस्से के वक्त नबी ने क्या बताया गुस्से के वक्त हाँ आपने कहा कि अड़ूद बिल्ला शैतानरजीम अगर ये कलीमा कह लें दो लोग लड़ रहे थे बहुत गु़स्से में नबी ने कहा मैं एक कलीमा जानता हूँ अगर ये कह ले तो इसका पूरा गुस्सा खत्म हो जाएगा आऊद बिल्ला शैतानी तो कहाँ अउद आऊद आऊजो जिंदगी में उसका अहतमाम करें शैतान से बचेंगे आ? और बहुत सारी जगह ऐसे ही जो है किसी को नजर लग गई नजर का वो क्या पढ़ना चाहिए आज लोग क्या क्या नजर उतारने के लिए किसके किसके पास जाते हैं बाबा के पास उसके फलां के पास और वो भी क्या क्या करता है नजर में पूरा नमक मिर्ची सब गुल घुमा घुमा के सर पर रखता है आग में डालता है नबी का यह हल नहीं है नबी नबी ने क्या हल दिया

इनकुल् शैतः और छोटी सी किताब मुस्लिम रिसमस्लिम रखें और याद कर लें यहाँ वहाँ ढूंढने बस पढ़ें हाँ इन नज़र नहीं लगेगी तो ये जो है ये सारी चीज़ें हम याद करें और भी बहुत सारी जगहों पर कहाँ कहाँ आरूज़ सिखाए गए ऐसे ही जो है शैतान से बचने के लिए एक चीज़ और भी है कि जहाँ जहाँ बिसमिल्ला आया ना उसका भी अहतमाम करना चाहिए बिसमिल्ला जहाँ 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 आया घर से निकलते वक्त बिसमिल्ला बिसमिल्ला तवक्ल तो नबी फरमाते हैं जो बंदा घर से निकला और ये कहा पढ़ लिया बिस्मिल्लाह शुरुआत कहाँ से बिस्मिल्लाह तो शैतान यानी अल्लाह की तरफ़ से एक आवाज़ आती है कुफिया व उकिया ये हिदायत पा गया इसको हिदायत मिल गई इसको किफ़ायत मिल गई ये बचा लिया गया और शैतान उससे दूर भाग जाता है और दूर से कहता है कि आज इस बंदे पर तेरा ज़ोर कैसे चलेगा और शैतानों से बोलता है साथियों से बोलता है कि इस बंदे पे तेरा ज़ोर कैसे चलेगा जिसको हिदायत मिल गई किफ़ायत मिल गई और जो बचा लिया गया घर से निकले हम कितनी बार घर से निकलते हैं तो घर से निकलते हो दुआ पढ़ें ये बिस्मिल्लाह पढ़ें ऐसे जहाँ जहाँ बिस्मिल्लाह आया है उसका एहतमाम करें खाते वक्त बिस्मिल्लाह करें हर चीज़ मुसलमान की ज़िंदगी में ना बिस्मिल्लाह का इतना इतनी आदत पड़ जानी चाहिए ना हम कुछ भी उठा के डाल लिए दिए में फटाफट डाल लिए डाके पी लिए शैतान शरीक हो गया गया शैतान साथ में शरीक हुआ पिया उसने इसलिए बहुत अहतमाम करें कोई भी चीज़ खाते पीते बसमिल्ला बसमिल्ल में वो ताकत है जहां अल्लाह का नाम आ जाता है वहां कोई चीज़ उसके साथ शरीक नहीं होती हाँ इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आदमी अल्लाह के नाम का अहतमाम बिमिल्ल का अहतमाम करे घर में जा रहा है बिसमिल्ला घर में दाखिल होने की दुआ क्या है बिसमिल्ला हाँ बस दुआएं हैं जो ज़यीफ़ है लेकिन बिमिल्ला घर से निकलते वक्त दुआ बिस्मिल्ला एहत दो घर में जा रहा है बिसमिल्ल्ला नबी फरमाते हैं आदमी घर में जा रहा और अल्लाह का नाम नहीं लिया तो शैतान उसके साथ साथ में जाता है साथ में उसके जाता है और बिस्मिल्लाह कहा तो बाहर ही रुक गया नहीं गया तो इसलिए बहुत पूरे घर के लोगों को अहतमाम करना चाहिए अगर एक आदमी घर में गया बिस्मिल्लाह कह करके तो शैतान तो साथ में नहीं गया लेकिन दूसरा आदमी आया कोई भाई आया दूसरा उसका भाई आया उसने उसने दुआ नहीं पढ़ा उसने नहीं बिस्मिल्लाह कहा शैतान घर में आया तो इससे भी होता है कभी कभी घर में एक आदमी पाबंद होता है नमाजों का बहुत दीनदार होता है वो दुआओं का एहतमाम करता है लेकिन घर में और लोग जो है ना वो नहीं करते तो इसके साथ तो शैतान नहीं आया लेकिन उसके साथ तो आया इसलिए इसलिए बहुत अहतमाम करना चाहिए कि घर में कि घर में दाखिल होते वक्त निकलते वक्त खाते पीते वक्त बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह का अहमाम यहाँ तक कि यहाँ तक कि आदमी बीवी से मिलते वक्त भी अगर बिस्मिल्लाह नहीं कहा अब्दुल्लाह अब्दुल्लाबन अब्बास कहते हैं कि शैतान उसकी बीवी के साथ शरीक हो जाता है अब मुजाहिद बहुत बड़े ताबई हैं और अब्दुल्लाह अब्दुल्लाबन अब्बास के शागिर्द हैं कहते हैं शैतान उसकी बीवी के साथ भी शरीक हो जाता है अगर वो बिस्मिल्लाह नहीं कहता है तो आप बताइए एक आदमी अपनी बीवी से मिलता है वो नहीं चाहता कि उसकी बीवी कोई देखे कोई देखे उसकी बीवी को हाँ और ऐसी हालत में अगर बीवी के साथ उसका शैतान भी उसके साथ शरीक हो जाए उसकी हम स्त्री में तो कितना अफसोस का मामला है कितने लोग बिस्मिल्लाह नहीं करते तो दुआ है पूरी लेकिन कम से कम शुरुआत बिस्मिल्लाह से बिस्मिल्ला ने, ने शैता लेकिन कम से कम बिस्मिल्लाह तो कहे ना तो ये जो है अल्लाह का नाम ना लेने से शैतान कहाँ कहाँ शरीक हो सकता है किस किस काम में दखल दाख, दे सकता है ना ये हम याद रखें इसलिए अरूज़ों वाले कलमा जहाँ 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 बताए गए पनाह माँगने वाले वहाँ अहतमाम करें बिस्मिल्लाह जहाँ जहाँ आया है उसका अहतमाम करें हाँ ताकि तो शैतान से बच सकते हैं अपनी ज़िंदगी में एक मुसलमान की ज़िंदगी में बिस्मिल्लाह इतना अहतमाम होना चाहिए बहुत सारे लोग खाने पीने में एहतियात नहीं करते ना तो बहुत सारे लोगों को जो है शैतान उनके खाने के रास्ते से पीने के रास्ते से पेट में जाता है जाता है फिर बाद में जो प्रॉब्लम खड़े होते हैं क्योंकि तो इसकी ज़िंदगी में अहतमाम नहीं है खाने पीने बस खा लिया उठा करके तो बिसमिल्ला कहना हर हर जगह जहाँ जहाँ नबी ने बताया उसका अहतमाम करें ऐसे ही और बहुत सारी चीज़ें इसमें हैं कि एक आदमी जो है बिसमिल्ला और कहाँ और कहाँ कहाँ जो है पढ़ना चाहिए जैसे मिसाल के तौर पर घर में शुरे बकरा की तिलावत शुर बकरा की तिलावत घर में ये भी एक हिफाजत है शैतान से कि अगर किसी आदमी को लग रहा है कि भाई घर में शयातिन का मसला है या नहीं भी है नहीं भी है फिर भी सूरह बकरा की तिलावत घर में शैतान से बचने का जरिया है नबी फरमाते हैं कि इन शैतान न शैतानाफी सूरत बकरा जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है शैतान उस घर से निकल के भाग जाता है तुन फिरो भाग जाता है और एक रिवायत में क्या है वह इनबैत लदी तुक रा बकरा लाद शैतान कि शैतान उस घर में दाखिल नहीं होता है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए अब दो बात है कि अगर पहले से घर में है तो सूर्य बकरा पढ़ी जाए तो शैतान निकल के भाग जाता है नहीं है सूर्य बकरा पढ़ी जाए तो दाखिल नहीं होता है नहीं आता है तो इसलिए याद रखना चाहिए कि एक आदमी को अपने घर में अहतमाम करना चाहिए पढ़ना चाहिए ठीक है कोई नहीं पढ़ सकता उसको नहीं आता तो कुछ लगा दे ऑडियो भी लगा सकता है हाँ लेकिन ये कि ज़्यादा बेहतर पढ़ना चाहिए ज़्यादा बेहतर पढ़ना चाहिए थोड़ा थोड़ा घर में तिलावत होना चाहिए तो ये भी हिफाजत का जरिया बहुत सारे घर वाले परेशान होते हैं इस तरह से तो घर में सूर्य बकरा की तिलावत करना चाहिए ऐसे ही एक आदमी अपनी जिंदगी में रात में सोने के टाइम सुर बकरा की आखिरी दो आयतें सुर बकरा की आखिरी दो आयतें इतनी हिफाजत नबी क्या फरमाते हैं आप देखिए सही बुखारी की रिवायत है कि अल अल बकरा मन करा फी लई सही बुखारी मुस्लिम की रिवायत है कि दो आयतें सूरह बकरा की आखिरी दो आयतें जिसने इन दोनों को पढ़ लिया दो आयतों को फी लई रात में जिसने रात में दो आयतें पढ़ लिया कफताहू ये दोनों आयतें उसके लिए काफी हो जाती हैं काफी किससे हो जाती हैं नबी ने इतने कहा काफी हो जाती हैं ने कहा हर चीज से सारी चीजों की से हिफाजत के लिए इसके लिए काफी हो जाती हैं दो आयतें आमनर रसूल से लेकर हा? ले के हाँ आमनर रसूल इमाम से लेकर आखिर तक दो आयतें तो ये सही बुखारी मुस्लिम की रहा है इसलिए इसको रात में कहा राम नवी कहते हैं कि काफ़ी होने का मतलब ये है कि शैतान से काफ़ी हो जाते हैं और बाद ने कहा सारी आफतों से जितनी आफत आने वाली रात में आफत आ सकती है बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो दोनों आयतें काफ़ी हो जाती हैं ऐसे ही कहना है सारी चीज़ों से तो ये जो है इसका एहतमाम करना चाहिए ऐसे ही आयतल कुर्सी है बहुत मशहूर है सब जानते हैं तो आयतल कुर्सी का अहतमाम करना चाहिए कि जो आदमी आयतल कुर्सी पढ़ता है रात में रात में आप बिस्तर पे आया और आयतल कुर्सी पढ़ा तो नबी ने क्या फरमाया कि शैतान उसके करीब रात भर नहीं आता है हाँ लंबी रिवायत है वो और वो रिवायत भी सही बुखारी की है कि शैतान उसके क़रीब रात भर नहीं आता है अब उसके बाद भी कभी कभी आदमी सोचता है कि मतलब सोए आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ और सब पढ़ता हूँ उसके बाद भी कभी कभी मसला होता है तो कुछ और मसला हो सकता है कुछ लेकिन अल्लाह के नबी वसल्लम का दिया हुआ बताया हुआ हल हु झूठा नहीं हो सकता है कभी नहीं हो सकता है हमारे पढ़ने में गलती हो सकती है हमारे अंदर कमी हो सकती है हमारे अंदर और कोई कमी हो सकती है लेकिन नबी का बताया हुआ फरमान गलत नहीं हो सकता है वाकई सुर आय जो है आयतल कुर्सी और सुर बकरा की आखिरी दो आयतें पढ़ने से बंदे की हिफाज़त होती है शैतान उसके करीब रात भर नहीं आता है तो ये चीज याद रखें ऐसे ही मुआवजतैन है मुआवजतैन जतैैन सुर फलक सुर नास और सुर इखलास ये तीन सूरतें रात में सोते टाइम पढ़ना चाहिए कितने लोगों की जिंदगी में अहतमाम नहीं अल्लाह के नबी वसल्लम जब बिस्तर पे आते थे तो आप अपने दोनों हथेलियों में सुर इखलास सुर फ़लक सुर नास पढ़ के करते थे और चेहरे शुरू करते थे और सर से लेके आगे का पूरा हिस्सा पीछे नहीं आगे का जहां तक हाथ पहुंचे एक बार हुआ दोबारा फिर आप पढ़ते थे सुर यानी इखलास, फलक नाश फिर अपने हाथीली में फूकना उसके बाद चेहरे शुरू करना और सर से लेके फिर आगे का पूरा हिस्सा हो गया आगे का जहाँ तक पैर तक फिर ती, तीसरी बार पढ़े इखलास अखिलास फलक सूर्य नाश और उसके बाद चेहरा और ये और पूरा नीचे तक ये अल्लाह के नबी वसल्लम सोने के टाइम तीन बार करते थे और ये जादू वगैरह से बचने का बहुत बड़ा इलाज है शैतान के करीब आना या जिसम को छूना शैतान बहुत बड़ा इलाज कितने लोग नहीं कर पाते जब भी हम बिस्तर पर जाएँ बैठे ना तो पहले ये कर लें फिर आयतल कुर्सी पढ़ लें फिर शुरे बकरा की आखिरी दुआएतें पढ़ लें कम से कम ये तीन पढ़ लें बाकी और बहुत सारी चीज़ें नहीं आती हैं हाँ और भी दुआएं हैं लेकिन कम से कम ये तीन तो बहुत पाबंदिस पढ़ना चाहिए हाँ ये सबको आसानी से याद हो सकती है ये तीन सूरतें आयतल कुर्सी शुर बकरा की आखिरी दुआत है उसके बाद हो जाएँ तो ये जो है इसका अहतमाम करें तो क्या होता है इससे शैतान से इंसान बच सकता है तो इतनी सारी बातें मैंने इख्तसार से बयान की मैं एक बार उसको रिपीट कर देता हूँ कि शैतान से हिफाजत के लिए जो अल्लाह के नबी नबीम ने हमको हल बताया है वो कितने तरह का हल है और क्या क्या है नंबर एक सबसे पहली चीज़ है हमको डरना नहीं चाहिए तो घबरा जाते हैं डर जाते हैं नहीं डरना चाहिए शैतान ना एक मखलूक है इंसान मखलूक है ना वो भी एक मखलूक है उसको भी अल्लाह ने पैदा किया है इसको याद रखें हमारा डर उसकी खुराक है उसका लुकमा है हम डरे उसके लुकमे बन गए डरना होना नहीं चाहिए हाँ तो ये याद रखें कि मतलब तोहहीद की तोहेद पक्की होना चाहिए शिरक ने अल्लाह के साथ कभी भी हाँ। तो और तोहीद मजबूत हो नंबर दो दूसरी चीज क्या है अल्लाह का जिक्र है कसरत से अल्लाह का जिक्र जो साबित हैं वो अपनी जिंदगी में पाबंदी करें जो भी साबित हैं जितना बताया उसका पाबंदी से उसका नंबर तीन क्या है तीसरी चीज़ क्या है फजर की नमाज का फजर की नमाज का अहतमाम जिंदगी में होना चाहिए नंबर चार जमात से नमाज का सारी नमाजें जमात से पढ़ें और लोगों के साथ रहना जमात के साथ मिलकर रहना ये भी शैतान से बचने का एक जरिया है ऐसे ही जो है अजान देना अगर कभी ऐसे मामलात हो जाएं घर में या कहीं भी तो अज़ान से भी शैतान भागता है दे सकते हैं ऐसे ही एक चीज़ है कि जहाँ जहाँ नबी ने अड़ज़ों वाले कलिमा सिखाए हैं उनको याद करना चाहिए टॉयलेट में जाते वक्त हाँ नमाज में वस वसा आ जाए ख्याल उसके वक्त नींद खरा यानी नींद में जो है बुरा ख़्वाब देखा उसके वक्त और ऐसे ही जहाँ भी आऊजू आऊज़ू कलिमा नज़र बद के वक्त तो ये सब जो है हम एहतमाम करें ऐसे ही बिसमिल्ला का जहाँ जहाँ नबी ने बताया है उसका अहतमाम करना चाहिए खास तौर पे खाने पीने में घर में दाखिल होते वक्त घर से निकलते वक्त बिसमिल्ल् का एहतमाम होना ही होना चाहिए तो शैतान से आदमी बच सकता है और ऐसे ही सोने के वक्त ख़ास तौर पे जो है आयतल कुर्सी और शुर बकर की आखिरी दुआतें और यानी मुआवज़ात में शुरे मुआवज़ते में फलक और नास है और मुआवज़ा में मतलब सुर इखलास तो ये तीनों पढ़ के अपने ऊपर जो है जो है मलना मसह करना ये चीज़ें और ऐसे ही घर के हिफाजत के लिए शुर बकरा की जो है तिलावत घर में करना इससे शैतान निकल के भाग जाता है ये चंद बातें मैंने इख्तसार से ज़िक्र किया है कि एक आदमी अपनी ज़िंदगी में शैतान से कैसे बचाव कर सकता है ये सब नबी के लिए भी हल हैं किसी इंसान के नहीं हैं इसलिए हम इनको पाबंदी से अपनाएँ अल्लाह ताली हम सब लोगों को शैतान के शर से महफूज रखे और जो हल नबी ने दिया है वो हल अपनाने की हमें तौफीक अता फ़रमाए और जैसे नबी ने बताया है वैसे अपनी ज़िंदगी में हमें करने की तौफीक दे आमीन आलमीन तकबले रबालमीन सुबहान अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्त व का वतूब